हाँ जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। राम राम साहब, थोड़ा लेट हो गए टेक्निकल कारण की वजह से, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अपने मित्रों को पहले तो क्या है, फटाफट शेयर कर दो ताकि सब बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें। ज्योति, बबलू, राकेश, मोहन, राजेश मीणा, वी के शॉट, अभिषेक कुमार, विनीता गुजर, सोनिया राठौर, आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट SST पॉइंट पर और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। विनोद कुमार, मनोहर, आप सब लोग पहले अपने अपने मित्रों को शेयर करो क्लास को। कम से कम एक व्यक्ति तीन लोगों को शेयर करेगा क्लास को। सबको फटाफट क्लास ज्वाइन कराओ ताकि अपन एक पंचायत राज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक में से RAS PSI ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आए हुए हैं, UPSC तक सवाल आए हुए हैं, वो प्रश्न मैंने लिए हैं। राजेश मीना, कैसे हो बेटा राजेश? विनीता, ज्योति, रिंकू, गुड इवनिंग। रिंकू इवनिंग है, मॉर्निंग नहीं है। विनोद कुमार, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सब दिल में है, बस आप तो अभिवादन करिए। मेरे राजकुमार हो, अब हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए, और जैसा कि आपको पता है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, तो वो सभी साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला ही प्रश्न देखिए, ये वो प्रश्न है जो एग्जामों में आए हुए हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियाँ पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत विशेष रूप से ग्राम सभा को प्रदान की गई हैं? पैसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम। अपने यहाँ पर TSP एरिया होता है रे बच्चों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, है ना, तो उसके लिए ये। तो साहब नंबर एक, लोगों की परंपराओं, अब देखो जनजातियाँ ये तो रीति रिवाज और परंपरा है ना। बिल्कुल राजेश मीणा, बिल्कुल शेयर कर दो राजेश। बातुल देवी, गुड इवनिंग। मोहन राम, विकेश सिंह, अच्छा विकेश बेटा तू तो रेगुलर रहता है। दिनेश यादव, शाबाश मनोहर, गुड मोहन राम, वेरी गुड बेटा। बातुल, अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड। अरे वाह अभिषेक, आखिर ज्वाइन कर ही लिया तुमने। तो लोगों की परंपराओं, रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, समुदाय के संसाधन की रक्षा और संरक्षा, कहते हैं जय जोहार, विवाद समाधान के परंपरागत तरीके की रक्षा और सुरक्षा। बताओ रे बच्चों, माहौल को लाइटम लाइट करो, फटाफट जवाब दो। उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। उत्तर आएगा डी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साहब जनजातियों की रीति रिवाज, परंपराएं, जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान, जनजातियों की परंपराएं, उनकी सुरक्षा के लिए ही 1996 में संसद ने एक एक्ट बनाया था जिसे पैसा एक्ट कहते हैं, और राजस्थान में पैसा एक्ट जून 1999 में लागू हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान में कब लागू हुआ था? जून 1999 में। और ये पैसा अधिनियम 10 राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। क्या बोलती, क्या चीज है पैसा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या दो की तरफ चलता हूँ रे बच्चों, ये वो सवाल हैं जो सॉलिड हैं, सिलेक्शन के आधार हैं। आजकल एग्जाम में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं रे मोहन, ठीक है। दिनेश, विनोद बेटा क्लास शेयर करो ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। अभिषेक, बिल्कुल वेरी गुड। बातुल, इसको शेयर करो अपने मित्रों को। मैं ये चाहता हूँ एक स्टूडेंट कम से कम तीन मित्रों को शेयर करे। अरे तुम भी पढ़ोगे, उसको भी कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा, बाद में वो तुमसे कहेगा यार तूने मेरे को नहीं बताया। मैं तो रोज ही ये बात सुनता हूँ, सर हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। निम्न में से किस या किन संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है अनुच्छेद 243L, ठीक है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जहां पर पंचायती राज लागू नहीं होता या पंचायती राज नहीं है,
ठीक है। अब देखो ये कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो देखो इसका सूत्र है अंचजो, अंचजो ये इसका सूत्र है, ठीक है। अंचज यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, इनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इनमें कितने स्तरीय है, दो स्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएलपी, क्या बोलते हैं डीएलपी। डीएलपी का मतलब है दादर लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इनमें दो स्तरीय पंचायती राज है, इसलिए उत्तर आएगा एक और दो। उत्तर आएगा दोस्तों इसका बी, उत्तर क्या आएगा बी। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर चार स्तरीय पंचायती राज है, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म कर दिया है, तो पश्चिम बंगाल में भी तीन स्तरीय ही है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, तो कैसे होते हैं तीन स्तर देखते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब ये होता है रे बच्चों, ये देखो L1 ग्रामीण स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, और ये सबसे पहले सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। L2 खंड स्तर पर आती है पंचायत समिति, और L3 में आते हैं दोस्तों जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है जिला परिषद। आपको मैं बता देना चाहता हूँ DLP दमन दीव और दादर नागर हवेली लद्दाख और पुदुचेरी, ये तीन तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और गोवा सिक्किम और मणिपुर ये तीन राज्य, इनमें दो स्तरीय पंचायती राज है। कितने स्तरीय है, दो स्तरीय व्यवस्था है, ध्यान रखना DLP और गोसिम में, गोवा सिक्किम मणिपुर में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मध्यम स्तर गायब है दोस्तों, कौन सा स्तर, मध्यम स्तर गायब है। आगे बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 3 की तरफ, आपका स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहले तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दूँ, आप लोगों को मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन जाडिम राम राम, दिनेश यादव ओके, पूजा यादव गुड इवनिंग, SS चरण स्पर्श गुरुदेव, आप सब लोगों को मेरा दूर से ही आशीर्वाद है। आप लोग निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगोगे, ये मैं कह रहा हूँ। आपकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ। बातुल देवी, विनीता गुजर, विनीता अभिषेक कुमार, पूजा यादव, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, टीना जांगड़ नमस्ते टीना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करो और जोड़ो ताकि हमारी मेहनत सफल हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे देखेंगे हमारे अनुभव का उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों कहते भी हैं कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पैसा उपबंध का प्रावधान किया गया, पैसा एक्ट, कौन सा एक्ट, पैसा एक्ट। ये ऐसा 1994 एक समिति बनाई गई थी, कौन सा फटाफट बताओ, उत्तर तो आ रहा है आप लोगों का, फटाफट जवाब दो रे बच्चों। पैसा एक्ट ये कितने राज्यों में, 10 राज्यों में लागू है पैसा एक्ट। शेर सिंह राजपूत नमस्ते शेर सिंह, कैसे हो, फटाफट जवाब दो रे बच्चों। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पैसा उपबंध का प्रावधान किया गया था, तो ये है उत्तर बी, दिलीप सिंह भूरिया समिति, 1994 में इसने रिपोर्ट दी थी। ये पैसा एक्ट है ना, पैसा एक्ट ये संसद ने 1996 में बनाया था, और ये 10 राज्यों में लागू है, कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में है। और इनका सूत्र आपको पता है, मैं सूत्र भी बताता हूँ, ठीक है। एक तो है कौन, गुजरात उड़ीसा, ठीक है मध्य प्रदेश, हाँ हरिश्चंद्र चरपोटा, हरिश्चंद्र
मिड लेट आज कोई बात नहीं है रे। विकास सिंह 1996, अभिषेक कुमार ठीक है बेटा। डीएस भूरिया बिल्कुल सही है, दिलीप सिंह भूरिया बिल्कुल सही जवाब है, ये 10 राज्यों में लागू है। ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिल्कुल ऐसे यू आर राइट। अमृत जयपाल, हर पत्थर मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर कोचिंग में पांडे जी जैसे सर नहीं होते। अरे अमृत जयपाल बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बेटा असली धन्यवाद मैं जब दूंगा जब कम से कम 3 मित्रों को शेयर करेगा इस क्लास को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कराओ, ज्वाइन कराओ। ठीक है, फिर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 10 राज्यों में पैसा एक्ट लागू है जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाज, पहचान, उनकी ट्रेडिशन और संस्कृति की सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है। और ग्राम सभाओं को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि वो वन रक्षा तक को लेकर के वो सुरक्षित करती हैं ना। सुरेश चौधरी खुश रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ रे मैं, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में पैसा नियम के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये राजस्थान में जो संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है ना, ये प्रावधान किया गया है 2011 में। कब किया गया है ये प्रावधान? ये प्रावधान किया गया है 2011 में। ठीक है, और 2011 में आपको पता होना चाहिए अशोक गहलोत सरकार थी। कौन सरकार थी? अशोक गहलोत ही थे। तो देखो साहब, राजस्थान में पैसा नियम के संयुक्त ग्राम सभाओं की बैठक का प्रावधान है, है ना। ये इसलिए है क्योंकि नरेगा वगैरह में काम करते हैं ना, तो एक ग्राम पंचायत में प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाता है, तो 2 ग्राम पंचायतों को मिलाकर सामूहिक रूप से क्या है वहाँ कंस्ट्रक्शन कराया जाता है साहब। ठीक है, तो उनकी न्यूनतम उपस्थिति या गढ़पूर्ति के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न अभी कंपटीशन में आया हुआ है साहब बहुत जोर से। सर मैं झालावाड़ से हूँ, गुड़ सोनू, सुमन जाडिम, सुमन गुड, सुमन बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। केसर जाट गुड इवनिंग, केसरिया गुड इवनिंग, सोनिया राठौर सर मैं भी हूँ, सोनिया कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, आई वेलकम यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुनील महावर, विकेश, कविता, अरे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ो। इस प्रश्न का उत्तर ए बिल्कुल सही दिया है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके लिए मैं डिजिटल आशीर्वाद देता हूँ, और जिन बच्चों से गलती हुई है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एरर इज़ द बेस्ट टीचर। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसलिए डरता नहीं है, डरना नहीं है। रेनू बैरवा सर मैं करौली से हूँ, गॉड रेनू आपका भी वेलकम है। टीएन सिंह राजपूत आपका भी वेलकम है, बहुत बढ़िया। अमृत जयपाल बहुत बढ़िया। रणवीर फागना, ओ वेरी गुड रणवीर, काफ़ी दिनों बाद आए हो तुम तो, वेरी गुड बहुत बढ़िया। टीएन सिंह राजपूत आप धौलपुर से हो, उत्तर देख लिया। प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों के न्यूनतम या तो 5% हो, और अगर 5% का मतलब 8 या 6 लोग ही आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम 10 सदस्यों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5% से आशय 10 से कम नहीं होना चाहिए। टीना जांगड़ ने पूछा है सर कितनी ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में? गुड टीना, योर क्वेश्चन इज बेस्ट क्वेश्चन, आई रेस्पेक्ट योर क्वेश्चन। राजस्थान में ग्राम पंचायत कितनी है? एल वन में होती है ग्राम पंचायत, और राजस्थान में अभी जो ग्राम पंचायतों की संख्या वो है 11,341। ठीक है, एल टू खंड स्तर पर पंचायत समितियों की संख्या आ जाएगी 352। पंचायत समिति कितनी है? 352। और एल थ्री जिला स्तर पर आ जाएंगी, जिला परिषद कितने जिले हैं? 33। ठीक है, सुमन जाडेम गुड, सरोज यादव वेलकम आपका। मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया बेटा, राजस्थान में ग्राम पंचायत कितनी है? 11,341। पंचायत समिति कितनी है? 352। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 5 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों।
और प्रश्नों के जो जवाब होते हैं ना आपके, वो काबिले तारीफ होते हैं। काफी बच्चे तो एक नजर में जवाब दे देते हैं। मैं ऐसे बच्चों को एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, जल्दबाजी में कोई सवाल गलत नहीं। यू बी त्यागी आगरा से प्रणाम करते हो, खुश रहो यू बी, आपका वेलकम करता हूँ। मेमराज रेगर, गुड इवनिंग सर, आपका वेलकम है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भक्ति 1991, गुड इवनिंग, आपका वेलकम है भक्ति। रेखा शर्मा, गुड इवनिंग, यू आर मोस्ट वेलकम रेखा। मिस्टर यू बी, पिंकी चौधरी, गुड आंसर, लेकिन पहले ये देख लेना उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। गुड टीना यू बी, बहुत बढ़िया। बच्चों राजस्थान में राज्यपाल का पद 1956 में आया, और 1956 में पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये 56 से 62 तक रहे थे। कब तक रहे थे? सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, 62 से 67। डॉक्टर संपूर्णानंद 67 से 72। तो देखो दोस्तों, कई बार नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज है बच्चों, ये तो सही है। तो पहले राज्यपाल, ये फर्स्ट राज्यपाल राजस्थान के, उत्तर तो यही हो गया। दूसरे नंबर पर संपूर्णानंद रहे थे, तीसरे नंबर पर कौन रहे थे? सरदार हुकम सिंह जी रहे थे, और चौथे नंबर पर जोगिंदर जी रहे थे। कौन रहे थे? जोगिंदर जी, जो पहले राज्यपाल है जिन्होंने समय से पहले क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था, जिनकी वजह से कार्यवाहक राज्यपाल बने वेदपाल त्यागी जी, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के, ठीक है। चलो साहब, तो ये राजस्थान गुरुमुख निहाल सिंह थे 1956 से 62, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद 62 से 67, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन आ गए? सरदार हुकम सिंह जी, सरदार, ठीक है। चलो साहब, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं रे बच्चों। और सवाई मान सिंह तो राज प्रमुख थे, क्या थे? तो राज प्रमुख थे ना। चलो जी, प्रश्न संख्या छठवां, देखो अच्छा सवाल है, करंट का सवाल है, और अच्छा सवाल है ये, है ना, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज को मैंने ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी लिया है और राजस्थान को ज़्यादा फोकस किया है मैंने, संवैधानिक प्रावधान भी लिए, बहुत ही संतुलित पेपर बनाया है बच्चों ये, और पिछली परीक्षाओं में आने लायक पेपर है ये, या आ चुके हैं इनमें सवाल ज़्यादातर। तो बताओ 6 फरवरी 2019 डेट को याद रखना है ना, 6 फरवरी 2019 डेट याद रखना है मित्रों। बताइए साहब, राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचित होने के लिए शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में निम्न में से क्या परिवर्तन किया है? गुड, आप लोग तो जवाब बहुत बढ़िया देते हो। रणवीर बिल्कुल सही जवाब है, सुमन जाडेम का सही जवाब है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा? ए आएगा साहब, शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता ही समाप्त है। अपने को क्या है, सरपंच के लिए 8 पास की थी वसुंधरा सरकार ने, 8वीं पास, ठीक है, और पंचायत समिति और जिला परिषद इनमें क्या है, 10 पास की गई थी, 10वीं पास, ठीक है। और ये शैक्षिक योग्यता क्या कर दी गई है, ये वसुंधरा सरकार ने जोड़ी थी, और दोस्तों अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं हम। ये तो सरल सवाल है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, मुझे इस प्रश्न पर सबके उत्तर चाहिए। राज सिंह, गुरुजी डीग भरतपुर से, राम राम। अरे बेटा राज सिंह, तू तो मेरी मातृभूमि से है रे, तू तो मातृभूमि से है बेटा, मैं मातृभूमि को सादर नमन करता हूं। ज्योति, रिंकू, पिंकी, रीना, रणवीर, विनीता, रणवीर, रणवीर पागना, अवनी सिंह। अवनी आज थोड़ा लेट हो, अवनी लेट हो आज ना। गुड, एसी बंद कर। देखो साहब, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, 11वीं अनुसूची जी, 11वीं अनुसूची जी, गांव वालों, क्या है गांव वालों,
और इसमें पंचायतों कितने विषय सौंपे गए हैं, 29 विषय सौंपे गए हैं। लेकिन राजस्थान में पंचायतों को कितने विषय, 21 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, कितने विषय, 21 विषय सौंपे गए हैं। चलो साहब आगे बढ़े। प्रश्न संख्या कितना ले रहे हो रे, क्वेश्चन संख्या 8। बढ़ चलिए, ये तो सबका ही सही था लगभग, और एक आध बच्चा तो देखो गलती से मिस्टेक भी हो जाती है। ये अच्छा सवाल है ना, गुड। रणवीर फागना भरतपुर से हो बेटा, आपका हार्दिक स्वागत है। वीके सिंह, सुमन जाडेम, सरोज यादव, वेलकम है सरोज। फटाफट अपने मित्रों को शेयर करो, और देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को, मित्रों को, अपने साथियों को क्लास शेयर करेंगे। नरेश यादव, जय श्री कृष्णा नरेश, स्वागत है आपका। संजय कुमार, वेलकम। टीना, गुड। अभी मैंने दो स्तरीय पंचायती राज का उदाहरण भी दिया था, याद है क्या, क्या कहा था, गोसिम, याद है क्या। अरे वेरी गुड, गोवा सिक्किम मणिपुर, और गोवा सिक्किम मणिपुर में 1 2 3। इसका मतलब आप लोग हर बात को सुनते हो, मैंने हल्का सा बताया था जब DLP की चर्चा की थी। गुड, शानदार, वेरी गुड, आई लाइक दिस, वेरी गुड मित्रों। प्रश्न संख्या 9, थोड़े क्वेश्चन में क्या अच्छी क्वालिटी को उठाए रे बच्चों, अच्छे सवाल है, आने लायक क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी, जाया नहीं जाने दूंगा। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये जिंदगी का मामला है डिसीजन देखभाल के, ये जिंदगी का मामला है डिसीजन देखभाल के। दोस्तों हमें सावधानी से कदम रखना है। रामलाल थिरोड़ा नागौर से तुम्हारा स्वागत करता हूं बेटा। अवनी, नरेश यादव, उमा शंकर, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस टेस्ट सीरीज को अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अभी उतने बच्चे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। इसको शेयर करो, इसके शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये शेयरिंग बिल्कुल फ्री है, शेयर बिल्कुल फ्री है। ज्योति रिंकू, थैंक यू, तुमने मेरी शायरी को समझा। फटाफट मित्रों को शेयर कर दो, शेयर बिल्कुल फ्री, सीरीज बिल्कुल फ्री, और नेट भी आपका बिल्कुल चार्जेबल है। नेट के तो आप पैसे देते हो, ये फ्री नहीं है, ठीक है। कालू भील बेटा, हार्दिक अभिनंदन है, तेरा स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कालू जी, गुड। तो इस अनुच्छेदों का मिलान करना है तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा देखें। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में है, ये किसमें होना चाहिए, आई में होना चाहिए, है ना, जो जे में दे दिया है। तो स्थानों का आरक्षण सही है बिल्कुल डी, पंचायतों का कार्यकाल सही है 243 ई, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के बिल्कुल सही है बेटा, ये है ना, बिल्कुल सर, गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है। अजी बिल्कुल सही पकड़े हो, लेकिन जैसे नरेश है और अपना एक आध बच्चा है उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। नरेश कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप प्रयास करते हो तो बाधाएं सबसे पहले आपको आकर टच करती हैं, ताकि बता सकें कि थोड़ी सी प्रयासों में अभी कमी है, सफलता थोड़ी सी 2 कदम दूर है। तो बेटा हमें जुट जाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। हम हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, हम पैर नहीं खींचेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। रामलाल, अभिषेक, बहुत बढ़िया। नरेश, गुड, बहुत बढ़िया। कमलकांत, वेरी गुड। तो जैसा कि आप प्रश्न भी देख रहे हो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निम्न में से कौन सी समिति स्थायी समिति नहीं है। देखो 5 स्थायी समितियां हैं साहब, कितनी समितियां हैं, 5 स्थायी समितियां हैं,
ठीक है, ये जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों स्तरों पर होती हैं, इनके माध्यम से जिला परिषद और पंचायत समितियों में काम किए जाते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका उत्तर आएगा, अरे बच्चों कौन सी नहीं है, गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया, ये नहीं है साहब, डी नहीं है। क्यों? प्रशासन और स्थापना समिति ये तो है, वित्त एवं कराधान समिति ये भी है, विकास एवं उत्पादन समिति ये भी है, और देखो नंबर चार ये रही स्वास्थ्य जल और सामाजिक सेवा समिति, और नंबर पांच पर ले लो शिक्षा समिति, कौन सी, शिक्षा समिति। तो जिला परिषद और पंचायत समितियों में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, पांच होती है, छठवीं कोई बन सकती है लेकिन संख्या पांच होती है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा नहीं बन सकती, छठवीं बन सकती है लेकिन संख्या कितनी है, पांच है, कितनी संख्या है, पांच, कितनी संख्या है, पांच। ठीक है, देख लो पांचों में नाम लिख दिया, आप नोट कर लिया करो, इससे जो एक्स्ट्रा चीज हुआ करे। ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में। विनीता, अभिषेक, ज्योति, सुमन, दीपचंद, मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक बच्चे आएंगे नहीं, उनको पता ही नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही है, ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ जगाते हैं ना, सुबह सुबह जगाते हैं तो क्या समझते हैं, दो मिनट में जग रहा हूँ, दो मिनट में जग रहा हूँ, और दो दो मिनट करके एक घंटा खींच जाते हैं, तो इसलिए बच्चों किसी का कोई कसूर नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मित्रों को बताएं कि भैया ज्वाइन कर ले, बाद में कुछ नहीं रखा है सोने में, जिंदगी का जीने का असली जो जज्बा है ना वो सरकारी नौकरी में आता है, और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 11 ऑन योर स्क्रीन एज वी रीड, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से कितनी प्रविष्टियां उपबंधित करती है, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, गुड। बद्री मीना प्रणाम सर, थोड़ा लेट हो गए, बद्री में हार्दिक स्वागत करता हूं, कोई बात नहीं, गुड। 29 विषय, लेकिन राजस्थान में कितने विषय हैं, राजस्थान में 18 विषय हैं। सर आशिता शर्मा, राजस्थान में 23 दे रखे हैं, नहीं 23 नहीं 21। गायत्री चौधरी, फैन ऑफ सचिन पायलट, 29, गुड। चलो साहब, निम्न में से किन राज्यों पर संविधान के भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते, अनुच्छेद 243M, क्या भाषा है ये, कौन सा अनुच्छेद की भाषा है, 243M की भाषा है। ठीक है, बताओ बेटा, जिन बच्चों ने बिल्कुल साहब बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड, बी उत्तर आएगा साहब, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, इनमें 73वां संविधान संशोधन का भाग 9 लागू होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, फैन ऑफ सचिन पायलट, आई एग्री, बिल्कुल श्योर, लेकिन बेटा मेरा वोट जहाँ है मैं वहीं तो दूंगा, बिल्कुल, इसलिए उसका उत्तर आएगा बी। प्रश्न संख्या 13, संवैधानिक उपबंधों के तहत जिला योजना समिति द्वारा की गई सिफारिश विकास योजना को राज्य सरकार को भेजने का
दायित्व निम्न में से किसका है? डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 जेड डी, ये गांव और शहर दोनों के विकास की योजना बनाती है साहब, दोनों के लिए काम करती है, और जो इसकी अध्यक्षता करेगा वही इसको भेजेगा। हालांकि अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख करता है, इसलिए इसमें जिला प्रमुख भी है, इसलिए इसका उत्तर आएगा डी, क्योंकि जिला प्रमुख नहीं हुआ तो उप जिला प्रमुख करेगा, इसमें क्या बात है। तो अध्यक्षता जो करेगा, और अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख करता है, इसलिए उत्तर आएगा इसका डी। हालांकि ऑप्शन जिला प्रमुख दे रखा है, पर फिर भी इसके अध्यक्ष जो होगा वो करेगा साहब, ठीक है, इसलिए उत्तर आएगा इसका डी। इसमें सी भी आ रहा है, बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा बोनस जाएगा बेटा, इसमें हम बोनस देते हैं, क्या देते हैं इसमें, हम सबको बोनस देते हैं ये लोग, ठीक है, गुड। प्रश्न संख्या 14 ऑन योर स्क्रीन, ये सरल सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। पाए लागू सर जी, दया बनाए रखना। देव कुमार आशीर्वाद है मेरा, देव तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, देव हार्दिक अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। गुड, आशीर्वाद है बेटा, फटाफट जवाब दो, गुड। 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, और 2020 से 2025। हालांकि पहला वित्त आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा वित्त आयोग, पांचवा वित्त आयोग और छठवां वित्त आयोग, राजस्थान का छठवां वित्त आयोग का गठन हुआ है अप्रैल 2021 में, कब हुआ है, और अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के प्रद्युम्न सिंह, छठवें नंबर के। अब देखो, द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये तो मैच है तृतीय का, ये फर्स्ट का है कृष्ण कुमार गोयल, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, बी आएगा। चतुर्थ वित्त आयोग के बी डी कल्ला, पांचवें की ज्योति किरण हो गई, और छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। और ध्यान रखना है, इसमें दो सदस्य हो रहे हैं बच्चों, अशोक लाहौटी जी और लक्ष्मण सिंह, दो अन्य सदस्य हो रहे हैं, तो एक अध्यक्ष और दो सदस्य, तो कुल कितने हो गए, इसमें तीन हो गए राजस्थान वित्त आयोग में ना। राज्यपाल द्वारा प्रति पांच वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। बीबी रोंग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही हो बेटा तुम, बी डी कल्ला सही है, ज्योति किरण सही है, ये सही है ना। धौलपुर से प्रद्युम्न सिंह, टी एन सिंह राजपूत, तुम भी धौलपुर से हो, गुड को बिल्कुल बिल्कुल, माणिकचंद सुराणा होना चाहिए था तृतीय वित्त आयोग में, बिल्कुल सही बात है। हीरा लाल देवपुरा तो आपको पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, ठीक है ना। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, मात्र 16 दिन के, कितने दिन के, सब न्यूनतम अवधि वाले सीएम है हीरा लाल देवपुरा। चलो मैं आगे भी बात करता हूं आपसे ना, गुड। निम्न में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है? देखो ध्यान से जवाब देना, तुम्हें जिसका पता हो उसके आधार पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गलत मत करना, मैं यही देखूंगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। फैन ऑफ सचिन पायलट, मात्र 16 दिन। सोनिया मानिकचंद सुराना, यू आर राइट सोनिया, तुम अच्छी मेहनत कर रही हो सोनिया, अब की बार 100% सफलता मिलेगी तुमको, बिल्कुल बच्चों, बताओ रे बच्चों।
फटाफट बताओ साहब, कृष्णा गुजर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कृष्णा, बिल्कुल अभिषेक। देखो जो आता है ना उसके आधार पर उत्तर दो। उमाकांत नायक झांसी से, उमाकांत गुड, उमाकांत यार मैं तुमसे मिलूंगा झांसी में आऊंगा जब, वेरी गुड। आप लोग हिंदुस्तान के कोने कोने जुड़े हुए हो, वेलकम उमाकांत, झालावाड़ से, कोटा से, बूंदी से, वारा से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, धौलपुर से, भरतपुर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, न केवल राजस्थान से, राजस्थान के बाहर से, देश विदेश से जुड़े हुए हमसे तो। हासम हाजी, बहुत बढ़िया हासम जी, वेलकम है आपका, मैं स्वागत करता हूँ। वीरेंद्र राजमल निनामा, आपका हार्दिक स्वागत है। ऋतु शर्मा जयपुर से, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, गुड। जो उत्तर आता है बिल्कुल मैं आऊंगा बेटा, धौलपुर आऊंगा, टीएन सिंह राजपूत, रेड सिटी जरूर आऊंगा। ये देखो आप लोग कम से कम ये देखो, डी उत्तर बिल्कुल गलत है, ये डी वाला आएगा इसमें, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 नहीं, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, बाकी सभी सही है। प्रियंका सुहेल देख लो, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में, बिल्कुल सही बात है। और अमर सिंह राठौड़ इसके पहले अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, राठौड़, अमर सिंह राठौड़, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। केवल वही व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग बन सकता है जिसे कम से कम 5 प्रमुख शासन सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्य का अनुभव हो, बिल्कुल साहब, वरिष्ठ या रिटायर आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं, ये संवैधानिक पद है, बिल्कुल साहब। हासिम हाजी कह रहा है सर मैं 2020 में आपसे पढ़ा था, बहुत ही अच्छा लगता है सर, बहुत बढ़िया। हासिम आपका हार्दिक अभिनंदन है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दया शंकर पांडे आपके सामने आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है जैसे राजस्थान का मरुस्थल खड़ा हुआ है, बिल्कुल देव में आऊंगा धौलपुर, बाकी सब सही है। राज्य निर्वाचन के वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समकक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसकी सारी सुविधा चीफ सेक्रेटरी जैसी होती है, लेकिन इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इस आयोग का काम है पंचायती राज और नगरीय निकायों को चुनाव कराना। और अनुच्छेद आएगा इसका 243 के और 243 जेड ए, क्योंकि नगरीय निकायों के भी चुनाव कराता है तो जेड ए में आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। और इनको बार बार सुना करो जो हम एक्सप्लेन करते हैं इन चीजों को, है ना बेटा। वर्तमान में कितने राज्यों में पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में लागू है, ये देव बिल्कुल। उमा शंकर बीकानेर में आ चुका हूं, बीकानेर में क्लास लेकर आया हूं उमा शंकर, फिर आऊंगा तुम प्यार से बुलाओगे तो। बलवीर सुमन, मित्रों को शेयर तो कर दो क्लास को, बच्चों मेरे कहने से बिल्कुल फ्री है, पहले तो ये बताओ कितने बच्चों ने शेयर की है क्लास। ज्योति रिंकू, क्लास को शेयर करो ईमानदारी से, बताओ 3 मित्रों को शेयर करनी है कम से कम, 3 फ्रेंडों को जो किसी की भी तैयारी कर रहे हो। विकेश उमा शंकर में बीकानेर आया था ऐसे ही, कोई उन्होंने कहा था सर कुछ समय के लिए आ जाओ, कोई क्लास विलास लेनी थी, फर्स्ट ग्रेड के लिए गया था बेटा मैं। उमा शंकर ने कर दी साहब, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने की है। कल्पना चौधरी, गायत्री, उमाकांत, अवनी, अभिषेक, उत्तर आएगा बी 10, बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र चौधरी ने कर दी देख लो, गुड वेरी गुड। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक नहीं है। अब ये देखना है, राज्य वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 I/Y, भाई इसलिए क्योंकि नगरीय निकायों में भी तो है, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 K/ZA, ठीक है, DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला नियोजन समिति DPC, ठीक है बेटा, कर दिया आप लोगों का धन्यवाद, दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। नहीं मेरी क्लास बेटा ट्यूजडे को होती है देव, ट्यूजडे को। हरेंद्र कुमार, मैं सभी दोस्तों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस कक्षा को जाए, बिल्कुल थैंक यू हरेंद्र, तुमने कर दी धन्यवाद। इसका उत्तर आएगा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 3 आएगा बेटा इसका उत्तर, इसका आंसर 3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये अनुच्छेद 243 ZD की भाषा है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के संघ राज क्षेत्रों में लागू किए जाने को उपबंध है। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में जब मैं व्याख्या कर रहा था तो मैंने बताया था, बिल्कुल सही है अवनी तुम्हारा उत्तर, अभिषेक कुमार तुम झुंझुनू से हो, गुड अभिषेक, वेरी गुड, तुम तो रोज ही मिलते हो अभिषेक, सेकंड ग्रेड के बैच में पढ़ते हो बेटा। हाँ पूजा, मेरी किताब भी आती है भारतीय राज उस्ताद दयाशंकर पांडे, बताओ रे बच्चों फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। हाँ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अभी मैंने बताया था 243 L, दिल्ली L, दिल्ली L, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो 243 L, ठीक है उत्तर आएगा B, कोई बात नहीं है ऐसे ही सीखेंगे। अनुच्छेद 19, ये कुछ समितियां हैं, इनका मिलान करना है आपको, है ना, क्या करना है इनका मिलान, बताओ रे बच्चों मिलान करो। फटाफट जवाब दो रे बच्चों, देखो ये जो समितियां हैं इनका उत्तर आएगा 1, 2, 3, 4, सही है सारी की सारी, ये इससे मैच खाई रही है, ये इससे मैच खाई रही है, ये किससे मैच खा रही है, कटारी समिति इससे मैच खा रही है। देखो 2010 में अशोक गहलोत सरकार थी, एक VS ब्यास समिति और बनी थी, ये थी VS ब्यास समिति, ये तो अलग है कटारिया समिति, ये है ब्यास समिति, ये अलग है गिरधारी लाल ब्यास, इसने इसकी सिफारिश पर 5 विषय पंचायतों को राजस्थान सरकार द्वारा सौंपे गए थे, इनमें एक विषय तो था प्राथमिक शिक्षा, एक था महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, ठीक है, एक था इसमें स्वास्थ्य, और दो और थे बताइए फटाफट, सामाजिक न्याय
और बताओ, और कृषि, ठीक है, सामाजिक न्याय और कृषि, क्योंकि पंचायतों को क्या, पंचायत स्वयं राज्य सूची के विषय, तो राज्य सरकार ही हस्तांतरित करती है, कौन हस्तांतरित करती है, राज्य सरकार हस्तांतरित करती है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 2010 में वीएस व्यास समिति का गठन हुआ था, अशोक गहलोत सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने पंचायतों को 5 विषय सौंपे थे। कितने विषय? 5 विषय सौंपे थे। इन 5 विषयों में एक तो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, फिर है कृषि, और एक कौन सा है, सामाजिक सेवा, सोशल, ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो इस तरीके से ये 5 विषय सौंपे गए थे, ध्यान रखना। चलो साहब अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। देखो ये 20वां जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है, अब आप बता दीजिए। बिल्कुल सोनिया, तुम 100% सिलेक्शन होगा तुम्हारा। आदमी क्या है, उम्र नहीं होती है बाधा पढ़ने का, वो ठोस इरादा, जब आपने ठान लिया तो क्या आप नौकरी लगोगे, सरकारी आप सेवा में जाओगी, आप प्रयास करिए, भले ही आपने बीच में अंतराल रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जज्बे को सलाम है, जज्बे को, हौसले को। लोगों ने 90-90 साल की उम्र में क्या है सफलता अर्जित की, 90 ईयर्स की उम्र में। तो देखो साहब ये कौन सा विषय है जो 12वीं अनुसूची संबंध नहीं, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास, गंदी बस्तियां, पुलिस तथा कानून व्यवस्था, ये राज्य सूची में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, ये राज्य सरकार के पास जाएगा, राज्य विधानमंडल के पास, ठीक है, पुलिस और कानून व्यवस्था। तो दोस्तों आज हम इतना ही लेंगे, 20 क्वेश्चन का ही अपना टारगेट था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अच्छे सवाल सही हुए होंगे। पहले दे बताओ ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोगों को, कल्पना चौधरी आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, क्वेश्चंस कैसे लगे ये बताइए पहले तो, आपको अच्छे लगे ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने मित्रों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं ट्यूजडे को आपके सामने मुलाकात करूंगा तो आप और बेहतर तरीके से दे पाओगे। टॉपिक नहीं बताऊंगा, सबको पढ़ो, आप सबको पढ़ो, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देखते रहा करें, SST पॉइंट को सर्च करते रहा करें। आप सब लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी क्लास को लगभग 45 से 50 मिनट देखा, और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सफलता की नींव रखें, सफलता का आधार बने। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।